देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इंफोसिस का बायबैक प्लान कल से यानी शुक्रवार से शुरू होने वाला है। इस प्लान के तहत कंपनी 1,750 रुपए प्रति शेयर के मैक्सिमम प्राइस पर 9,200 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदेगी। कंपनी इस 9,200 करोड़ रुपए में से 50% हिस्सा यानी 4,600 करोड़ रुपए का इस्तेमाल वापस बायबैक में ही करने वाली है। इन्फोसिस ने पहले ही यह बताया है कि पेडअप कैपिटल के जरिए 5 सालों में जो भी रकम इकट्ठा की जाएगी, जो फ्री कैश फ्लो एक्यूमुलेट होगा, उसका 85% हिस्सा वो अपने निवेशकों को बायबैक एंड डिविडेंड के जरिए पहुंचाएगी। बायबैक होता क्या है? अगर कोई कंपनी मार्केट से या निवेशकों से अपने ही शेयर को वापस खरीदती है, परचेज करती है, तो इसे बायबैक कहते हैं। टेंडर ऑफर या ओपन मार्केट के जरिए ये प्रोसेस पूरा किया जाता है। बायबैक शेयर होल्डर्स के लिए एक अच्छा कदम माना जाता है, क्योंकि जब इस स्टॉक में आप वापस रीपर्चेस करते हैं तो आपको इस स्टॉक की करंट मार्केट वैल्यू मिल जाती है, साथ ही प्रीमियम भी मिलता है। इसके अलावा अगर आप किसी भी स्टॉक को रीपर्चेस करते हैं और उसकी वैल्यू, उसके भाव अगर ऊपर चल रहे हैं, तो ऐसे मौके पर शेयर से एग्जिट करने पर आप ज़्यादा मुनाफा भी कमा सकते हैं।